हेलो फ्रेंड्स, अल्पना मौसमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है खाने में बहुत ही टेस्टी है और इस रेसिपी को बनाना भी आसान है। तो फिर चलिए आज हम बनाते हैं पनीर दम बिरयानी। अक्सर इसे हम होटल या रेस्टोरेंट में ही खाते हैं, तो क्यों ना इस पनीर दम बिरयानी को घर में बनाया जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पनीर दम बिरयानी के लिए मैंने लिया है बासमती राइस 1 कप के करीब, या लॉन्ग ग्रेन राइस है। अगर आपका चावल पुराना होगा तो बिरयानी और अच्छा बनेगा, तो आप कोशिश करें कि पुराना चावल ही लें। तो चलिए चावल को डाल देते हैं एक बाउल में, और इस चावल को हमें लगभग 3 से 4 बार धोने हैं जब तक इसमें से स्टार्च जो है वो निकल ना आए। तो चावल को मैंने धो लिया है और इसमें मैंने लगभग 2 कप के करीब पानी डाला है। इसे हमें लगभग आधे घंटे के लिए भिगो कर रखना है। यहाँ पे लिया है मैंने कुछ खड़े गरम मसाला, तो ये मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, दालचीनी, और ये लिया है मैंने चक्री फूल, कुछ चिरामन भी डाले हैं। तो चलिए अब हम चावल बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पे हांडी में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी में अच्छी तरह बॉयल आ गया है। जब पानी में बॉयल आए तभी हम इसमें खड़े गरम मसाला डालेंगे। तो ये मैंने डाला है तेज़पत्ता और बाकी के सारे खड़े गरम मसाला, नमक 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और ये मैंने डाला है घी, तो ये होममेड घी है। तो अब हम चावल को डाल देते हैं इस तरह से, और चावल को हमें लगभग 70-80% कुक करने हैं। इसमें निचोड़ देंगे थोड़ा सा नींबू। नींबू निचोड़ने से हमारा चावल जो है चिपकता नहीं है एक दूसरे से, तो इसलिए आप इसमें नींबू तो कम से कम आधे जरूर निचोड़ें। तो चावल हमारा लगभग कुक हो गया है। तो इस चावल को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये आपका 5 से 7 मिनट में चावल कुक हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं आसानी से टूट रहा है। तो हमें चावल इतना ही चाहिए। तो चलिए अब हम पानी को स्ट्रेन कर लेते हैं स्ट्रेनर की हेल्प से। तो इस तरह से इसे स्ट्रेन कर लें ताकि चावल में एक्सेस पानी ना रहे, और इसे हम प्लेट पे फैला देंगे और इसे हम पंखे के नीचे ठंडा कर लेंगे। चावल को ठंडा करना ज़रूरी है। तो अब हम दही का मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप के करीब दही। तो दही हमें फ्रेश चाहिए। इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, यह आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच, और इसमें मैं डालूँगी 2.5 चम्मच के करीब बिरयानी मसाला। तो चलिए इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा दही का मैरिनेशन बनकर तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं इसका जो पेस्ट है स्मूथ है। तो मैंने पैन में डाला है 2 चम्मच के करीब घी, और इसमें मैं डाल दूँगी खड़े गरम मसाला। जैसे ही खड़े गरम मसाला सौते हो जाए, थोड़ा सा चटक जाए, इसका फ्लेवर आ जाए, तो इसमें मैं डालूंगी प्याज। इसे मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं। साथ ही में डाल देंगे हम नमक। तो नमक हमें स्वाद अनुसार डालने हैं। नमक डालने से प्याज हमारा जल्दी भून जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसे भी हम सौते कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल आए। तो प्याज हमारा भुन गया है, और आप देख सकते हैं तले में जो लग गया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो निकल आएगा आसानी से टमाटर डालने के बाद। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 टमाटर, और इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। तो ये हाइब्रिड टमाटर है जो खट्टा नहीं होता है, तो आप बिरयानी के लिए हाइब्रिड टमाटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा खट्टापन चाहते हो तो इसमें आप देसी टमाटर डाल दें। तो ये टमाटर हमारा भुन गया है, इसे हमें ढककर 2 मिनट के लिए पकाने हैं। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भुन गया है। तो चलिए डाल देते हैं दही का मैरिनेशन। दही का मैरिनेशन डालने से पहले आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या फिर ऑफ कर दें, तभी दही को डालें। कभी कभी दही के फटने के चांसेस होते हैं, तो ऐसा रिस्क हमें नहीं लेना है। और दही को हमें अब अच्छी तरह भूनना है जब तक कि जो घी है वो रिलीज ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले के ऊपर घी तैरने लगा है। तो इसमें मैंने डाल दिया है भुने हुए प्याज, ये डाला है मैंने पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता, और फिर से इसे हम लगभग 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं,
और 2 मिनट के लिए इसे हमें फिर से भूनना है। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं कटे हुए पनीर। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। और पनीर को अच्छी तरह मिक्स कर लें मसाले में। इसे हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। तो इसे फिर से ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है हल्का सा पनीर में आ जाए। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है बिरयानी के लिए। तो ये बिरयानी बेस है, तो आप इसी प्रोसेस से चिकन या फिर एग बिरयानी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसमें से मैं आधा मसाला निकाल लूँगी। इसके हमें 2 लेयर करने हैं और आधा हमें रहने देना है। तो अब इसे हमें असेंबल करना है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता। इसे मैंने गैस से उतार लिया है नीचे। अब इसके ऊपर डालना है हमें चावल और चावल को हमें अच्छी तरह स्प्रेड कर देना है चारों ओर। इवेनली स्प्रेड करना है इसे हमें इस तरह से। तो इस बिरयानी के हमें 2 लेयर बनाने हैं। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब घी। फिर से उसके ऊपर डालना है हमें मसाले और इसे भी हम अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पनीर लिया है 200 ग्राम के करीब, तो इसे हमें इस तरह से स्प्रेड करने हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर डाल देते हैं भुने हुए प्याज। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो प्याज है डीप ब्राउन फ्राइड है। इसके ऊपर डालूंगी मैं धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। आप चाहे तो दोनों को बारीक काट सकते हैं, तो मैंने इसे बहुत बारीक नहीं किया है। और यहाँ पे लिया है मैंने फूड कलर, तो ये रेड फूड कलर है। इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम फिर से चावल का लेयर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 लेयर में बनाए हैं, आप चाहे तो इसे 3 लेयर में भी बना सकते हैं। और चावल को हमें अच्छी तरह स्प्रेड कर देने हैं। तो चलिए फिर से इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। तो वही प्रोसेस हमें फिर से रिपीट करने हैं। और थोड़े से मैंने डाले हैं फूड कलर और ये लिया है मैंने बिरयानी एसेंस। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे केसर नहीं डाल रही हूँ। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी भुने हुए प्याज, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता। तो चलिए इसे अब हम ढक देते हैं और इसका जो ये छेद है तो इसे हम आटे से सील कर देंगे। आप चाहे तो इसको आटे से अच्छी तरह सील भी कर सकते हैं, तो मैं इसे सील नहीं कर रही हूँ पूरी तरह, क्योंकि ऐसे ही अच्छे से ढक जाता है, बंद हो जाता है। और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है पहले 5 मिनट। अगर आपका मसाला थोड़ा सा ड्राई हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और जब 5 मिनट हो जाए, 5 मिनट कुक होने के बाद, तो आप फ्लेम को लो कर दें। और इसे लो फ्लेम पे हमें लगभग 10 मिनट के लिए और कुक करने हैं। तो आप देख सकते हैं स्टीम आ गया है। तो राइस हमारा अच्छी तरह कुक हो गया है, बिरयानी हमारा पक गया है। आप चाहे तो इसे तवे पर भी रख कर पका सकते हैं, क्योंकि अब पनीर बिरयानी है तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारा बिरयानी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको मैं निकाल कर दिखाती हूँ कैसा बना है हमारा बिरयानी। और आप इसके राइस देखिए, बहुत ही खिले खिले हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो आइए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही लाजवाब बिरयानी बना है हमारा और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस बिरयानी को सर्व कर सकते हैं रायता के साथ। तो इसे हम गार्निश कर देंगे पुदीना पत्ता से और प्याज से। तो ये हमारा पनीर दम बिरयानी है, बहुत ही टेस्टी लाजवाब है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।